लाइन पार बिजली न आने से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव बुढ़ानपुर अलीगंज के मोहल्ला लाइन पार पूर्वी दिशा में बसे गांव में बिजली की लाइन न होने से दुखी ग्रामीणों ने शुक्रवार को प्रदर्शन कर विद्युत लाइन खिंचवाने की मांग की। बता दें कि बुढ़ानपुर अलीगंज के मोहल्ला लाइन पार में करीब 20 परिवार रहते हैं। उनकी मांग है कि हम यहां पिछले 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन यहां पर अभी बिजली की लाइन नहीं खिंची है, जिस कारण हमें बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली न मिलने के कारण हम लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। इस मामले में हमने विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर सहित उच्च अधिकारियों से कई बार प्रार्थना पत्र देकर मांग की, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। गांव बुढ़ानपुर अलीगंज में तो बराबर विद्युत सप्लाई हो रही है, लेकिन लाइन पार बसे मोहल्ले में बिजली नहीं पहुंच रही। बता दें कि वहां पर लाइट ना पहुंचने की सबसे बड़ी वजह रामनगर से मुरादाबाद को जाने वाली रेलवे लाइन की पटरी है। उन्होंने बताया कि रेलवे लाइन की पटरी होने के कारण लाइन रेलवे लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर गाँव भवानीपुर है जहाँ पर लाइट आ रही है, हमें वहाँ से लाइट मिल जाए। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, हम जब से यहाँ आए हैं 20 साल हो गए हमें करीब आए हुए, इस जगह लाइट नहीं है। लाइट की वजह से हम बहुत परेशान हैं और उसकी वजह से डिबिया की रोशनी में हम अपना जीवन बिताते हैं और उस पर परेशानी की वजह से हम बहुत परेशान हैं। बच्चे हमारे पढ़ भी नहीं पाते और हमें लाइट की बहुत ज़रूरत है। कहीं गए हैं, सब में एप्लीकेशन लगाया, सब में कुछ करा है, कहीं भी कह देते हैं, प्रधान से भी कही है बोला ना जाता। सुभाष कुमार, कहाँ रहते हो? ग्राम बुढ़ानपुर, जिला मुरादाबाद, तहसील मुरादाबाद, थाना भगतपुर, ब्लॉक भोजपुर। समस्या क्या है? समस्या लाइट की है। पूरे गांव में सर लाइट है, एक लाइन क्रॉसिंग की वजह से पूरब साइड में एक नई कॉलोनी बसी है, लगभग 25 या 20 साल के आसपास हो गए हैं। इधर घर बनते लगभग 25-30 घर हैं, लाइट की कोई भी व्यवस्था इधर नहीं की गई है, जिसके कारण हम कहीं जगह भी गए हैं, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करी गई है लाइट की। और इसी लास्ट रास्ता हमने मीडिया वालों को बुलाया है, ये लास्ट रास्ता हमने अपनाया है और आज तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई गई है। क्षेत्रीय बिजली घर जो है जी, वहाँ पर जय रहते हैं, आपने उनसे शिकायत की? जय साहब से बोला था, जय साहब बोलते हैं क्या एक महीने में कार्रवाई हो रही है, 2 महीने में कार्रवाई हुई है, बोले सर्वे हो गए हैं, एकदम से काम हो रहा है। तो इस तरीके से लगभग देखते देखते हमें 6-7 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई भी व्यवस्था इधर लाइट की नहीं हुई है।